मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म या मैग्नेट हम सबने देखा हुआ है, और वो मैग्नेट को जब हम अर्थ के ऊपर लटकाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक जाता है। क्यों उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकता है, ये एक क्वेश्चन बहुत दिन से हमारे दिमाग में था। और एक और क्वेश्चन हमने हमारे दिमाग में आता है, पहले हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें। एक पहला एक्सपेरिमेंट ऑस्टेंड ने किया था, ये 19th century में ऑस्टेंड, इन्होंने ये किया कि ये जब प्रैक्टिकल करवा रहे थे तो एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराए, और यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी थी। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और इसको स्विच ऑन करते हैं, ये बैटरी और बैटरी के साथ ये स्विच, जैसे ही वो यहां से स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे मूव करती है। उसके बाद जब इसको स्विच ऑफ कर देते हैं फिर से ये ऐसा वापस चली जाती है। अगर इसकी डायरेक्शन को उलट दें और फिर से स्विच ऑन करते हैं तो ये उल्टी डायरेक्शन में घूमती है, और जब स्विच ऑफ करते हैं फिर से सीधी हो जाती है। तो एक छोटा सा कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में तो उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यही चीज हमने कब देखी, ये यहां पर नीडल रखी और यहां पर एक मैग्नेट लेकर आए, ये नीडल ऐसे थी, जैसे ही हम ये मैग्नेट यहां लेकर आते हैं ये नीडल ऐसे घूम जाती है, और फिर मैग्नेट हटाते हैं फिर सीधी हो जाती है, तो हम कहते हैं ये मैग्नेट के फोर्स के कारण हुई। अब हमने मैग्नेट हटा दिया, इसको यहां रखा, करंट फ्लो की सेम इफेक्ट हमको दिखता है, तो हमको समझ में आता है कि जो काम ये मैग्नेट इस पर फोर्स लगाने का कर रहा था वो काम अब कौन करता है, इलेक्ट्रिक करंट। यहां जो इस पर फोर्स लगाया जाता है, अब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहां पर हमने एक बॉल को रखा और बॉल को छोड़ा, ये बॉल नीचे की तरफ गिरती है। क्यों नीचे की तरफ गिरती है, तो हमारा आंसर है फोर्स लगता है इस पे अर्थ से, ग्रेविटेशन का फोर्स। ये ग्रेविटेशन का फोर्स अर्थ इस पर कैसे लगा लेती है, अर्थ तो इसके कांटेक्ट में नहीं है, तो फोर्स कैसे लगाती है, तो उसके लिए हमने एक चीज बनाई, वी कॉल इट फील्ड। फील्ड का कंसेप्ट क्या है, फील्ड का कंसेप्ट ये है कि अर्थ अपने चारों तरफ एक ऐसा इफेक्ट बना लेती है कि उसमें अगर कोई दूसरा मास आए तो उस पर वो फोर्स अप्लाई कर देती है, उसको कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं। फील्ड का कंसेप्ट ये है, बिना कांटेक्ट में आए अपने इफेक्ट से फोर्स लगा लेना, उसका मतलब है चारों तरफ फील्ड बनाना। एक और फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं भी हम एक चार्ज रखते हैं उसके एरिया में चारों तरफ उसका इफेक्ट हो जाता है, और यहां अगर हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरा रखें तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगा लेता है, या तो खींच लेता है या पुश कर देता है, बिना कॉन्टेक्ट में आए। तो बिना कांटेक्ट में आए जो चीज आसपास अपना इफेक्ट बनाती है उसको क्या बोलते हैं, फील्ड। अगर चार्ज ने बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मास ने बनाया तो ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम दो फील्ड को पहचानने लगे। अब एक तीसरे फील्ड के बारे में सुनिए। एक चार्ज को हमने एक लोकेशन पर रखा, ये चार्ज को, और ये एक बड़ी हल्की चीज है, इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने सपोर्ट किया, चार्ज को यहां पर रखा, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पे लगता तो क्या होता, ये मूव करता, एक्सेलरेट करता, इस पर कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लग रहा। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, इसको हमने मूव कराया। इसको जब हम मूव कराते हैं इस तरफ ऐसे, तो न्यूटन के लॉ से इसको स्ट्रेट चलना चाहिए, पर जैसे ही हमने इसको मूव कराया और इसको वेलोसिटी दी तो हमने देखा कि ये ऐसा मुड़ गया। कोई चीज मुड़ती क्यों है, तो आंसर है एक ये चीज ऐसे सीधी जा रही है, अगर मैं इसको ऐसा दबा दूंगा तो ये मुड़ जाएगी, इसका मतलब इस पर एक फोर्स लगेगा तभी मुड़ेगी। जब इस पर फोर्स लगेगा मुड़ेगी ऐसा,
जब ऐसे मुड़ गई फिर हमने फोर्स लगाया तो ऐसे मुड़ गई, जब ऐसे जा रहा है फिर फोर्स लगाया तो ऐसे मुड़ गई। उस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी सीधी चलती हुई चीज सर्कल में कब चलने लगती है? जब उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो मुड़ना, मुड़ना किस चीज का इंडिकेशन है? फोर्स लगने का इंडिकेशन। जरूर कोई ना कोई फोर्स लगता है। अब हमने इस चार्ज को यहां पर चलाया और ये ऐसा मुड़ गया। अगर ये स्पेस में ऐसा मुड़ गया तो हम ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको मोड़ रहा है, ये फोर्स कहां से आ गया। अब ग्रेविटेशन का फोर्स इस चार्ज पे काम नहीं करता या ग्रेविटेशन नीचे काम करता है और ये ऐसा मुड़ गया, नीचे की तरफ नहीं मुड़ा, ऐसा मुड़ा, तो ग्रेविटेशन के कारण नहीं मुड़ा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण नहीं मुड़ा, क्योंकि जब ये यहाँ खड़ा था उस समय कोई भी इसको खींच नहीं रहा था, कोई भी इसको रिपेल नहीं कर रहा था, तो इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स भी नहीं लग रहा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी नहीं है, तो ये मुड़ता क्यों? ये अब लोगों को लगा कि जरूर एक ऐसा फील्ड है जिसको हम नहीं जानते, वो ना तो ग्रेविटेशनल फील्ड है और ना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो ये जो फील्ड था उसका उन्होंने नाम रखा मैग्नेटिक फील्ड। कैसे नाम रखा मैग्नेटिक फील्ड? कि यहां पर एक मैग्नेट रखा, ये उसका नॉर्थ, ऊपर एक मैग्नेट रखा साउथ, नॉर्थ साउथ ऐसा, और यहां से चार्ज को भेजा तो देखा चार्ज ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया। तो उन्होंने बोला कि एक फील्ड और होता है और उसका नाम रखा मैग्नेटिक फील्ड। उसका एक इंडिकेशन हमको हिस्ट्री से मालूम था, वो क्या था? जो मैग्नेट अपने चारों तरफ बनाता है उस फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट हमने यहाँ रखा, एक लोहे का टुकड़ा यहाँ रखा, ये इसके कांटेक्ट में नहीं है पर इसको खींच लेता है। दूर से जब कोई चीज खींचती है तो इसके थ्रू खींचती है, फील्ड के थ्रू खींचती है। अब तो इसका मतलब इस मैग्नेट ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया। तो ये एक तीसरी तरह का फील्ड हमको मिला, एक पहले ग्रेविटेशनल फील्ड था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और एक ये मैग्नेटिक फील्ड था। पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होता है? आंसर है यस। कैसे अलग होता है? जब हम इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ रखा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुरंत इधर दौड़ जाएगा या इधर दौड़ जाएगा, जैसा इसका नेचर। खड़े हुए चार्ज को जो फोर्स लगा दे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, लेकिन एक यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड एब्सेंट है और ये चलता हुआ चार्ज है, जब ये चलता है तो मुड़ता है, मुड़ता है मीन्स इस पर फोर्स लगता है, पर जब खड़ा है इस पर कोई फोर्स नहीं लगता। ये चार्ज जब यहाँ खड़ा है कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जब वेलोसिटी बी पे आता है तब इस पर फोर्स लगता है, ये फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो हमने उसको स्टडी करना शुरू किया तो क्या समझ में आया कि ये अलग ही टाइप का फील्ड है जो सिर्फ चलते हुए चार्ज पर फोर्स लगाता है, खड़े हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। तो हमने डेफिनेशन बना दी, व्हाट इज ए मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज कैरेक्टरिस्टिक इन द स्पेस विच अप्लाई फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, which apply force on a moving charge and moving charge changes its direction। अच्छा, एक और चीज हमने खास देखी, वो ये देखी कि इसकी वेलोसिटी अगर यहाँ पर 10 है तो जब ये ऐसा मुड़ जाता है तो इसकी वेलोसिटी 10 है, फिर जब यहाँ आ गया तो भी इसकी वेलोसिटी 10 है, और कहीं भी ऐसा चला गया इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10। अगर इसकी वेलोसिटी 10 ही रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, तो इसका मतलब है उस पर लीनियर एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है। फोर्स हमेशा क्या करता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन इस पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो क्या प्रूफ है कि फोर्स लग रहा है? तो हमारे पास मैकेनिक्स में उसका आंसर है। उसका आंसर ये है कि जब हम किसी चीज को ऐसा गोल घुमाते हैं, ये इसकी यहाँ स्पीड है 10, यहाँ पर भी 10, 10, हर जगह 10, ये यूनिफॉर्म स्पीड से ये चल रहा है, उस समय फोर्स इस पे लग रहा है कि नहीं? तो आंसर है फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किधर लग रहा है? क्या नाम है इसका? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक समझिए, सेंट्रीपिटल फोर्स
सीधी जाती हुई चीज को मोड़कर गोल बना देता है, लेकिन चूंकि उसकी डायरेक्शन ये है, ये स्पीड की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो ये फोर्स स्पीड को बढ़ा नहीं सकता है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं दे सकता है, इसको बढ़ा नहीं सकता है। अगर ये इसकी स्पीड को बढ़ा नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन को मोड़ सकता है। फोर्स की जब हम डेफिनेशन शुरू में पढ़े थे क्लास 11th में, तो फोर्स इज समथिंग विच कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये वाला फोर्स दोनों में से क्या बढ़ा, क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करता है, वेलोसिटी को चेंज नहीं, स्पीड को चेंज नहीं करता, डायरेक्शन को चेंज करता है। इस तरह से ये हमने देखा। अब जब हम ये समझ रहे हैं कि ये जो फोर्स है ये इस तरफ लग रहा है, तो तभी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो हम समझ गए कि ये फोर्स ऐसा लग रहा है। जब पार्टिकल यहां है इधर लगेगा, जब पार्टिकल यहां है इधर लगेगा, जब पार्टिकल यहां है इधर लगेगा, पार्टिकल यहां है इस तरह से, ये ऐसा फोर्स लगता है। ओके, तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, और ये किसके कारण लगता है, एक जगह पर कम लगता है, किसी दूसरी जगह पर ज्यादा लगता है ये फोर्स, तो ये वाला हमने निकाला। इसके फोर्स की अलग अलग क्वालिटी हमने निकालने की कोशिश की, मैथमेटिक्स रिलेशन निकालने की कोशिश की, तो हमने क्या देखा कि ये फोर्स डिपेंड करता है कि इस पर कितना चार्ज है, इस बॉडी पर, इस पार्टिकल पर अगर हम चार्ज बढ़ाते जाते हैं तो ये फोर्स बढ़ता है, फोर्स बढ़ने से ये क्या होगा, ये छोटा सर्कल बनता जाएगा, जल्दी घूमेगा, फोर्स बढ़ेगा। अच्छा, फिर हमने देखा ये एफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जैसे इस चार्ज को हमने बहुत स्लो चलाया तो ये ऐसा होगा, अगर इसी चार्ज को हमने ज्यादा वेलोसिटी से चलाया तो ऐसा मुड़ गया, और ज्यादा वेलोसिटी से चलाया तो ऐसा मुड़ गया। तो इसमें फोर्स ज्यादा लगा फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड में, थर्ड में फोर्स ज्यादा लगा, जल्दी मुड़ गया, हमने इसकी वेलोसिटी ज्यादा रखी थी। सो वी थ्री इज मोर देन वी टू इज मोर देन वी वन, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, इस पर फोर्स उससे कम, इस पर फोर्स उससे कम, F3 is more than F2 is more than F1, ये मैग्नेटिक फोर्स लगने का करैक्टर है। तो हमने क्या देखा, वेलोसिटी बदलने से फोर्स बदलता है, तो हमने ये नोटेशन लिख लिया, फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। उसके बाद भी हमने क्या देखा कि एक जगह पर वो कम मुड़ता है और दूसरी जगह पर ज्यादा मुड़ता है, एक जैसा चार्ज एक जैसी वेलोसिटी, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि एक जगह हमने ये दो छोटे छोटे मैग्नेट रखे, चार्ज को भेजा और ये ऐसा मुड़ गया, बड़ा सा सर्कल बना के, अब हमने बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखे फिर चार्ज को भेजा तो देखा जल्दी से मुड़ गया, तो हमको समझ आया जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो फोर्स तीसरा किस पर डिपेंड करने लगा, मैग्नेटिक फील्ड पे। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड का नाम रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या था, ई, तो मैग्नेटिक फील्ड का नाम हम रखेंगे बी, बी, सो बी रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जैसा कोई भी फील्ड होता है, दिस इज व्हाट फोर्स, अगर ये फोर्स है फील्ड है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, सो फोर्स किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पे, फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, फोर्स डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन चीजों पर फोर्स डिपेंड करता है, तो हमने तीनों को कंबाइन कर दिया, F इज इक्वल टू क्यू वी डी, कॉन्स्टेंट को हमने वन बना दिया, सब वन वन करके, सो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी डी, ये हमारा फॉर्मूला बना। Now, V is a vector quantity, B is also a vector quantity. Okay, तो ये हमने बनाया, force is equal to
यहाँ पर V और B को हमने टेस्ट करके देखा, दिस गिव्स द रिलेशन VB sin theta. What is this theta? Theta is angle between vector V and vector B. Theta is angle between V and B. B और B के बीच में ये एंगल होता है and there is a cross product. Cross product V cross B. इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? VB sin theta. तो ये VB sin theta क्या है? Cross product. So this we can write as vector F. Vector F is equal to Q. This is a scalar quantity. वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक. सो क्यू वी क्रॉस बी, ये हमारा फॉर्मूला बना मैग्नेटिक फोर्स का. और इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा? वी बी साइन थीटा. अब बी की डायरेक्शन क्या होती है इसमें हम देखते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम करते हैं I cross J is equal to K. आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर में I cross J is equal to K. I एक डायरेक्शन में होता है, J and this is K. तीनों एक दूसरे के नॉर्मल. अब यहां पर देखिए और मुझे बताइए ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है. ओके, ये वाली. या यहां लेते हैं नीचे से. सपोज यहां पर ये ऐसे जा रहा है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स. इधर फोर्स लगता है, फोर्स. ये डायरेक्शन वाई की हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ओके, थोड़ा सा आपको वेक्टर में इसमें दिक्कत होगी क्योंकि अभी हमने लॉ नहीं पढ़ा है. तो इसमें जब हम वेलोसिटी और बी इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन आती है. इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थर्ड एक्सिस पे होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. तो बी किधर होगा? जेड एक्सिस. जेड एक्सिस कैसे होती है? ऐसे. तो ये होती है बी की डायरेक्शन. तो याद रखिए फोर्स वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर वेलोसिटी एंड वेक्टर बी. वेक्टर फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर बी ये तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पर रहते हैं. ये इस तरह से राइट एंगल पर रहते हैं, एक एक्स एक वाई और एक जेड, एक आई एक जे और एक के. लेकिन कौन सा कहां रहता है इसके लिए हमने एक नियम बनाया है. ये जो नियम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और शुरू से ही आपको इस पे एक्सपर्ट होना जरूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम में भले लोकल एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो यही चीज बार बार आती है और आपको हाथ ऐसे करके डांस करना जरूरी हो जाएगा, अदरवाइज आप आंसर नहीं दे पाएंगे अगर शर्म करेंगे. तो देखिए यहां पर हमको फोर्स वेलोसिटी और बी, यहां पर अगर हमको डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की तो हम इसके लिए लेफ्ट हैंड रूल बनाते हैं, दैट इज एम्पीयर्स लेफ्ट हैंड. दिस इज लेफ्ट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डायरेक्शन एक चीज तो पहले हमने डिसाइड कर ली कि फोर्स वेलोसिटी और बी मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पर है. अब हमारा प्रश्न सिर्फ ये है कि ये भी राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, कौन सा किधर रहेगा उसका हमने नियम बनाना है. तो उसके लिए हमको कौन सा हैंड यूज करना है? लेफ्ट हैंड. ठीक है, तो शुरू करते हैं. लेफ्ट हैंड में इसका नाम क्या है? इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर. फोर फिंगर हमेशा बी दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड. इसको किधर रखना है हमने?
मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखना है, ये वाली मिडिल फिंगर इसको हमेशा वेलोसिटी की तरफ रखना है। ये दो चीजें आप रखेंगे और ये वाला जो 90-90 है इसको आप कभी नहीं बिगाड़ेंगे। अगर आप सोचेंगे बी इधर है, बी इधर है, तो इसको ऐसा कर देते, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, समझे? ये एंगल आप नहीं बिगाड़ेंगे, ये फिक्स हो गया। तो अगर इधर बी है तो अभी वेलोसिटी इधर आ रही है, अगर मुझे वेलोसिटी ऊपर चाहिए तो बी को इधर रखे रखे ये वेलोसिटी ऊपर हो गई, वेलोसिटी नीचे हो गई, वेलोसिटी इधर हो गई, वेलोसिटी आप इधर भी घुमा सकते। देखो बिना इसकी डायरेक्शन को बदले, ये इसमें आपको ट्रेन होना चाहिए, समझ में आ रहा है? करके देखिए सब, सामने बी रखोगे, ये बी की डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए मोड़ते समय, ये आपका ऐसा घूम जाना चाहिए, ये तरीका समझ आया? बी उधर ही रहेगा और जब आप इसको घुमाते हो अंगूठे को बंद नहीं करना, अंगूठा खुला रहेगा, करेक्ट? अच्छा अब देखिए करना क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मान लो अंदर की तरफ है, तो हमने इसको अंदर की तरफ रखा, ये वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसको हमने घुमा के ऐसा कर दिया, ये तो अंदर ही रखा था और वेलोसिटी को घुमा के इधर कर दिया, ये अंगूठा किधर आया? अंगूठा ऑटोमेटिकली कहां चला गया? ऊपर, ये डायरेक्शन दिखाएगा फोर्स, तो यहां पर फोर्स किधर लगता है? ऊपर। अगर ये फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये जाने पे इसको फोर्स ऊपर लगा तो ये यहां से मुड़ गया, ये यहां से ऐसे मुड़ गया इस तरह, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लगा। अब जैसे ही ये यहां पहुंचता है इस जगह पर, फिर से हम उसी चीज को लगाते हैं, वी किधर रखना है? अंदर की तरफ, लेकिन अब वी ऐसा ना रख के हमने ऐसा घुमा, जैसे ही वी को ऐसा घुमाते अंगूठा भी घूम गया और अब इधर आ गया, तो ये जो चीज ऐसे सीधी जा रही थी इस पर ऐसा फोर्स लगा तो ये और मुड़ के यहां से ऐसे मुड़ गई। किसी भी सीधी चलती हुई चीज पर आपने ऐसा फोर्स लगाया तो ये मुड़ेगी ऐसे, ये सीधी हुई चलती हुई पे ऐसे फोर्स लगाया तो ये ऐसा मुड़ गया। अब उसके बाद ऐसा मुड़ता मुड़ता ये यहां पहुंचा, फिर हमने फोर्स लगाया तो फोर्स इधर। हम क्या देखते हैं कि वेलोसिटी और फोर्स इसके बीच का एंगल हमेशा कितना रहता है? 90 डिग्री। तो एक चीज हम याद कर लेते हैं पक्का, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू वेलोसिटी, फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू वेलोसिटी। तो इस राइट एंगल के कारण ये ऐसा मुड़ गया। अब यहां पर जब पहुंचता है ये फोर्स लगता है, इस फोर्स के कारण ये ऐसा मुड़ जाता है, फिर यहां पहुंचता है तो इसके राइट एंगल पर इधर फोर्स लगता है तो ये ऐसा मुड़ जाता है, फिर यहां इधर फोर्स लगता है ऐसा मुड़ जाता है, फिर इसके राइट एंगल पे फोर्स लगता है ऐसा मुड़ जाता है, और ऐसा करते करते ये वापस अपनी जगह पर आ जाए। तो इसका पाथ कैसा बना, ट्रेजेक्टरी कैसी बनी? सर्कल। तो ये एक सर्कल में घूमने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अंदर। वेलोसिटी किधर है? इस तरफ। और फोर्स किधर लगेगा? ये तीनों एट राइट एंगल पर रहते हैं और डायरेक्शन आपको हमेशा किससे लेनी है? लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें आप नोट करेंगे लेफ्ट हैंड रूल में direction of F, और इस
मुझे यहाँ लिखना चाहिए था तीनों फिंगर को कैसा रखना है राइट एंगल। सो हम इंडेक्स मिडिल फिंगर एट राइट एंगल टू ईच अदर एट राइट एंगल टू ईच अदर इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब दे मस्ट बी केप्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर दिस इज राइट एंगल टू ईच अदर। तब क्या होगा इंडेक्स फिंगर किधर रखेंगे वी मिडिल फिंगर वेलोसिटी वी और फोर्स किधर लगेगा एफ। ओके ये चीज आपने नोट कर ली। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस कमरे में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और एक चार्ज ये ऐसा ऊपर जा रहा है, बताइए ये इस तरफ मेरी तरफ मुड़ेगा कि आपकी तरफ मुड़ेगा, ये और ऊपर जा रहा है राइट। ठीक है ये तरीका समझ आ गया। ओके फिर से एक यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ और चार्ज इधर जा रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट करना है हमेशा, फिर घुमाना है डी डायरेक्शन के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे वेलोसिटी इधर ये, अगर आप ऐसा नहीं घुमा पाते हैं इसको तो नीचे करना पड़ेगा राइट। इसको आप ऐसा कर सकते हो ऐसा जिधर कन्वीनियंट हो कलाई को घुमाना, तो ये नीचे आएगा वेलोसिटी इधर आएगी फोर्स इधर लगेगा। जब फोर्स इधर लगेगा तो ये वाला जो चार्ज ऐसा जा रहा है किधर मुड़ेगा ऐसा मुड़ेगा, फिर कैसा मुड़ेगा और ऐसा मुड़ता जाएगा एंड इट विल मेक ए सर्कल, ऐसा सर्कल बनाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन निकालनी आनी ही चाहिए, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाएंगे। ये बड़ा जरूरी होता है और ये हमारे क्वेश्चंस में आता है। किस तरह से आता है दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग डाउनवर्ड देन ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन का एरो बना रहेगा। इफ वी सी इट फ्रॉम द टॉप देन हाउ इट विल मूव, वेदर इट विल मेक ए क्लॉकवाइज सर्कल और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। कहां ऊपर से हमने देखा, वी आर सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, इधर फोर्स है ऐसा मुड़ेगा तो ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको चॉइस क्या चुननी है एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं तो आपको वही स्पॉट पे हाथ को सेट करके बनाना पड़ेगा ये एंटी क्लॉक घूमने वाला है या क्लॉकवाइज घूमने वाला है। अच्छा अब देखिए चूंकि इसमें तीनों डायमेंशन हम बनाते हैं और ये वाले बोर्ड में दो डायमेंशन है, इस दो डायमेंशन में हम एक में फोर्स दिखा रहे हैं और एक में वेलोसिटी दिखा रहे हैं, ऐसे वेलोसिटी और ऐसे फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो इसके लिए हमने एक वेक्टर का नोटेशन बनाया है। वो वेक्टर का नोटेशन वेक्टर के चैप्टर में आता है, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करता हूं। वो हम लोगों ने बनाया है एक एरो के बेसिस पर, ये एक एरो है और सुंदर एरो है इसलिए इसके पीछे ये पंक्ति लगा हुआ है। ओके इसको अगर आप सामने से देखेंगे तो ये हमारी तरफ आ रहा है, अगर ये हमारी तरफ आ रहा है तो यहां पर हमको क्या दिखता है पॉइंट, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या दिखाता है कमिंग टुवर्ड्स मी, कमिंग लाइक दिस। अगर ये यहां से हम इधर से देखते हैं कि ये ऐसे जा रहा है तो पीछे का पंख हमको ऐसा दिखेगा, ये एक पंख ऐसा लगा हुआ और एक ऐसा लगा हुआ, कैसा दिखेगा क्रॉस क्रॉस, ये क्या है एरो ऐसे जा रहा है, इसको हमने इंडिकेशन बना लिया दैट दिस इज गोइंग इनसाइड। तो दो इंडिकेशन हम देंगे, एक ये वाला इंडिकेटर, ये इंडिकेटर हमको क्या बताएगा बी इनसाइड, और ये वाला क्या बताएगा बी कमिंग आउट।
coming out of plane and this is B going inside plane. तो यहाँ पर B की direction किधर बताई थी हमने, अंदर. तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसा बना दूंगा ये. तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें B की direction किधर माननी है और finger किधर रखनी. समझ आया? तो आगे से जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन में डायग्राम बना रहेगा तो उसमें आप देखिएगा, या तो ऐसा लिखा होगा या ऐसा डॉट बना होगा. डॉट का मतलब भी आपको सामने लेना है और क्रॉस का मतलब भी अंदर लेना. ये प्लस होना जरूरी नहीं है, दिस मे बी एक्स ऑल्सो लाइक, पर क्रॉस होता हो. ठीक है? सो दिस इज इंडिकेशन फॉर द डायरेक्शन. ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा? What is magnetic field? Magnetic field is that characteristic in the space due to which a moving charge experiences a force and it changes its direction. It changes its direction without changing its speed. Without changing speed. अगर speed change हुई तो वो electric field है. क्योंकि electric field इसकी direction में ही QE का फोर्स लगाता है और उस फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसकी वेलोसिटी को नहीं बढ़ा पाता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एट राइट एंगल. सो बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इट कैन चेंज ओनली इट्स डायरेक्शन एंड नॉट इट्स स्पीड. सो फिर से नोट करिए, मैग्नेटिक फील्ड इज magnetic field is a characteristic of the space, due to which a moving charge experience force at right angle to its velocity and changes its direction. ठीक है? तो ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड, ये उसकी डेफिनेशन. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम और चर्चा करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को कौन बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस क्या होंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन बनाता है? सोर्स. तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है ए मूविंग चार्ज. सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए मूविंग चार्ज. ऑस्टिन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जब उस तार में करंट नहीं जा रही थी तो उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला. जैसे ही चार्ज ने चलना शुरू किया तो मैग्नेटिक फील्ड बना और वो सुई मुड़ गई. तो इससे क्या पता लगा? ए मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मूविंग चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं. सो इलेक्ट्रिक करंट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नोट करिए, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. A moving charge or electric current is the source of magnetic field. ओके, एक चीज ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी फील्ड जो सोर्स होता है वो अपनी ही जात वालों पर फोर्स लगा सकता है. ग्रेविटेशनल फील्ड कौन बनाता है? मास. इसलिए वो लगता किस पे है? मास पे लगता है. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? खड़ा हुआ चार्ज एड्रेस. इसलिए वो फोर्स किस पे लगा सकता है? चार्ज एड्रेस. मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? मूविंग चार्ज. इसलिए वो फोर्स किस पे लगाएगा? मूविंग चार्ज पे लगाएगा, खड़े हुए चार्ज के लिए.
तो ये एक बड़ा जनरल नियम है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें अगर हमको यूनिट फिक्स करनी है तो हम लोग यूनिट किससे फिक्स कर सकते हैं, बी, बी इज इक्वल टू, यहां से बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी इंटू साइन थीटा, राइट। अगर हम इसको बी को निकालना चाहे, बी की डेफिनेशन देना चाहे और ये बताएं कि b इज इक्वल टू f, अब आप डेफिनेशन बनाना भी सीखिए। मैं ये बोलना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय हाउ मच चार्ज, वन कूलम विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। राइट एंगल बोलने से साइन थीटा क्या हो गया, वन, बस ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। इस तरह से आप किसी की भी डेफिनेशन बना सकते, नोट करिए, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज moving with unit velocity at right angle to the magnetic field, at right angle to the magnetic field, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इसकी यूनिट क्या होगी, अगर आप यूनिट को डिराइव करने जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटीज है, एफ न्यूटन है, ये कूलम है, ये मीटर पर सेकेंड है, बहुत सारी चीजें मिक्स है, तो हमने इन सब के लिए एक डिराइव यूनिट का नाम रख लिया और एसआई सिस्टम में हमने बी का यूनिट बनाया टेस्ला। ये यूनिट ऑफ बी, ये कौन से सिस्टम में है, एसआई। सो इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला। पहले सीजीएस सिस्टम चलता था और मैग्नेटिक फील्ड की बहुत स्टडी हो चुकी थी, उसमें गॉस ने बहुत काम किया था, तो पहले हमने एक यूनिट बनाया था गॉस। तो गॉस इज ए स्मॉलर यूनिट इन सीजीएस सिस्टम। कन्वर्शन कर सकते हैं जैसे क्लास 11 में आपने दूसरे कन्वर्शन किए यूनिट्स के, वैसे हम इसको कर सकते हैं। जब ऐसे सिस्टम में काम करते हैं तो फोर्स न्यूटन में लेते हैं, यहाँ काम करेंगे तो फोर्स टाइम्स में लेंगे, इसमें मीटर पर सेकंड होगा तो इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, वो सब के करने के बाद कितना आता है 10 to the power। तो कभी आप देखें गॉस लिखा हुआ मिलेगा, कभी टेस्ला मिलेगा। एक और यूनिट होता है दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसको अभी नोट कर लीजिए, लेकिन इसको मैं जब फ्लक्स पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा कि वेबर क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज यूनिट विच वी यूज एज टेस्ला। टेस्ला के बदले में दूसरा शब्द क्या यूज करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर।